इसे मध्य प्रदेश से श्याम ने पूछा है। इस जन्म में जो भी घटनाएं होती हैं, क्या वह पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण होती हैं? हम कहां तक पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधे हैं? गोस्वामी तुलसीदास की रंका राम चरितमानस जीवन का महाकाव्य है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आचार्य दर्शन जी ने रामचरितमानस पर अपने प्रवचन की श्रृंखला आरंभ की है। कर्मा में बहुत बार उनको सुनने का मुझे मौका मिला है और जिस तरह अपनी ललित शैली में वे रामचरितमानस के तात्विक पक्ष को उजागर करते हैं, वो निश्चित रूप से एक ओषोधारा का एक नया आयाम है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग, हमारे साधक रामचरितमानस में जो तत्व निहित है न केवल उसको समझे, बल्कि रामचरितमानस हमारी सनातन संस्कृति को उजागर करता है और संस्कृति धर्म की रक्षा करती है। मैं अक्सर, तुमने सुना होगा कि धर्म के दो पक्ष हैं, एक है संस्कृति और दूसरा है अध्यात्म। ओषोधारा में हम सामान्यतः अध्यात्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब खेत में फसल लहलहाती है, जब तक उसमें बाड़ा ना लगाया जाए, एक रक्षा कवच न दिया जाए, तो फसल कोई भी भैंस आके खा सकती है, चर सकती है। इसलिए अध्यात्म की रक्षा के लिए संस्कृति का बाड़ा बहुत जरूरी है। और ये जो ग्रंथ है हमारे रामचरितमानस है, महाभारत है, ये संस्कृति के द्योतक हैं और ये अध्यात्म के लिए बाड़ा का काम करते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है। और आज मैं फीडबैक भी देख रहा था अपने लोगों का, जिस तरह से आपने भावपूर्ण फीडबैक दिए हैं, निश्चित ही इस प्रवचन माला का जो आरंभ हुआ है उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। दर्शन जी को भी बधाई देता हूँ और IOM के निदेशक और पूरी टीम को कि इस प्रवचन माला का आपने आरंभ किया है। तो सुनो, तुलसीदास जी कहते कर्म प्रधान विश्व करी रखा, आज जो जस करई सो तस फल चखा। अब कार्मिक नियम का पूरा वर्णन इन्होंने कर दिया कि इस विश्व को कर्म प्रधान किया है परमात्मा ने, और जैसा कर्म तुम करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। और सभी संत इस बात की पुष्टि करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, अगर बबूल बोएगे तो कांटा ही गड़ेगा, लेकिन आम बोगे तो फल मिलेगा। तो ये जो कार्मिक नियम है, करीब करीब सभी संत इस कार्मिक नियम को मानते हैं और सनातन धर्म की ये मुख्य देन है। कार्मिक नियम क्या है? वो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। पहला क्या है? संचित कर्म। हम जो भी कर्म करते हैं वो संचित हो जाता है और किसी न किसी जन्म में हमको उसका फल भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करोगे वो भी संचित हो गया, बुरा कर्म करोगे वो भी संचित हो गया। अच्छे कर्म का अच्छा भोग है, बुरे कर्म का बुरा भोग है, वो संचित हुआ। तो जब अगले जन्म लेके आते हो तो सारे संचित कर्मों का फल एक ही जन्म में नहीं भोगना है, लेकिन निर्धारित हुआ स्पिरिट वर्ल्ड में निर्धारित हो जाता है कि अच्छा इस बार कौन कौन से प्रारब्ध, उसको कहते प्रारब्ध कर्म, अर्थात जिन संचित कर्मों का फल हमको इस जन्म में भोगना है वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है, और उन प्रारब्ध कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है। हम इस जीवन में आए हैं, हम वहां कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि अच्छा चलो ये जो कर्म है इसके प्रारब्ध कर्म का हम फल भोगेंगे। और फिर तीसरा है क्रियमान कर्म, अर्थात इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं तो इसका फल या तो हमको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा या फिर जिसका हमने भोग नहीं भोगा इस जन्म में वो फिर संचित हो गया, फिर किसी न किसी जन्म में वो प्रारब्ध कर्म बन करके आएगा। अधिकतर तो इसी जन्म में भोग लेते हैं, किसी को गोली मारोगे तो फांसी चढ़ गए तो तुम इसी जन्म में तुमने भोग लिया, किसी का पशुओं का चारा खाओगे तो इसी जन्म में जेल हो जाएगा तो तुमने भोग लिया। अगर नहीं भोगा तो अच्छी बात है, भोग लिया चलो खत्म हुई बात, लेकिन अगर नहीं भोगा तो संचित कर्म में चला जाएगा और किसी न किसी जन्म में प्रारब्ध कर्म बन करके आएगा। तो ये कार्मिक नियम है। और एक और बात है, ये सारे कर्म ये हमारे बायोटेप में ही बनते चले जाते हैं, बायोटेप में। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डर कहीं दूर है, ये रिकॉर्ड फिट किया हुआ है। जैसे किसी बाग या बाग वगैरह में
फिट कर देते, एक चिप फिट कर देते हैं और उसे बाघ के मूवमेंट का पता चलता है। ऐसे चिप फिट किया हुआ है मरते समय में, जैसे पुराने जमाने में सिनेमा का रील, जब सिनेमा खत्म हो जाता था तो फिर वो रील उल्टा लपेटा जाता था पूरा पूरा। तो ऐसे ही मृत्यु की बेला में ये जो हमारा बायोटेप है ना, ये हम तुम जैसा भी मिल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है हमारे बायोटेप। और मृत्यु के बेला में ये सारा रील उल्टा घूमेगा और तुम देखोगे कि आज कैसे सत्संग कर रहे हो, मजा ले रहे हो, ये सब वहां पर होगा। और वो चिप लेकर के और अपने सूक्ष्म शरीर में हम उसको लेकर के स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे और वह चिप का कॉपी लेकर के वहां तुम्हारी लाइब्रेरी में, वहां लाइब्रेरी है, स्पिरिट वर्ल्ड में लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में चला जाएगा। फिर अगले बार जन्म लोगे तो उस चिप को दे दिया जाएगा तुम्हारे स्पिरिट गाइड को कि ये बंदा का ये चिप है और ये प्रारब्ध कर्म है, ये मुख्य घटना है इसके जीवन में आने वाली है और ये इस जन्म का इसका उद्देश्य है, तो इसको डिरेल मत होने देना, तो इसको ठीक से अपनी रेल पर, अपनी पटरी पर रखना। तो ये सारा खेल इतना सुनियोजित है, इसका मैनेजमेंट इतना एक्सलेंट है कि मैं तो अभिभूत हो जाता हूँ कि क्या मैनेजमेंट है। और वो स्पिरिट गाइड पूरे जीवन हमारे साथ आता रहता है, बीच बीच में गाइडेंस भी देता है, सलाह भी देता है, दुर्घटना के समय हमारी रक्षा भी करता है। और कहीं हम गलत निर्णय कर लेते होते हैं तो भीतर लगता है कोई बना कर रहा है, ये और बात है कि तुम स्पिरिट गाइड की बात मानो ना मानो, न मानने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वो कहेगा जरूर। तो ये एक पूरी की पूरी इस तरह की व्यवस्था है। और इस तरह कह सकते हो कि इस जीवन में हम बहुत कुछ प्रारब्ध कर्म से बंधे हैं, लेकिन ये बात भी सच नहीं है कि वो सारा प्रारब्ध कर्म का ही खेल है, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध कर्म का भी के बंधे हैं और हमारी स्वतंत्रता भी है, दोनों बातें साथ साथ है। मैं एक दृष्टांत दूं, जीसस से किसी ने पूछा कि कितना हम भाग्य से बंधे हैं और कितना हम पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र हैं। उस समय भेड़ चल रही थी और एक भेड़ बंधी थी खूंटे से, वो बदमाश भेड़ थी जरा ज्यादा, तो गरेबिया ने उसको बांध दिया था, एक लंबी रस्सी में उसको बांध दिया था। तो जीसस ने कहा इस भेड़ को देखो ये कहाँ तक चल सकती है। उस आदमी ने कहा कि तो जितनी लंबी डोर है उतनी तक चल सकती है। तो बोला कि बस ऐसा ही समझो कि प्रारब्ध की रस्सी हमारे गले में बंधी हुई है, हम स्वतंत्र हैं। अब रस्सी जितनी दूर तक हमको स्वतंत्रता देती है उतनी दूर तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन तब कहीं ना कहीं एक मर्यादा है, कहीं ना कहीं हमारी सीमा है। ठीक ऐसे ही सभी बुद्ध पुरुषों से लोग ये सवाल पूछते रहे हैं। तो हजरत मोहम्मद से किसी ने पूछा कि कहाँ तक ये प्रारब्ध से हम बंधे हैं और कहाँ तक हम स्वतंत्र हैं। तो मोहम्मद साहब ने कहा एक पैर उठाओ, तो उसने एक पैर उठाया, तो कहा आप दूसरा पैर उठाओ, लेकिन दूसरा कैसे उठाया। बस समझ लो यही बात है, ये जो दूसरा पुत्र हम नहीं उठा पा रहे हो ना, ये प्रारब्ध है। और जितना तुमने एक पैर उठाया ना, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ हम प्रारब्ध कर्म से बंधे हैं और कुछ हमारी स्वतंत्रता भी है। इसको आनंद गीता में हमने लिखा है, हम जो भी करते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल क्रम में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। है रचा तुम्ही ने आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, बज ओशो शरणम गच्छामि।